आज मैं बिताने वाला हूँ 24 घंटे इस प्लेन के अंदर, पर ये कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं है। आज से 20 साल पहले इसे सुनसान सी जगह पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि आज तक जिसका भी इस प्लेन से संबंध रहा है उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। गांव वालों की माने तो आज तक इस प्लेन के श्राप से कोई भी बच नहीं पाया है, पर यहाँ खुशी खुशी आने से पहले हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। ओह माय गॉड, भाई लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक प्लेन के अंदर 24 घंटे बिताऊंगा। भाई दिस प्लेन इज इन मिडल ऑफ नोवेयर। ओह माय गॉड, भाई मेरे को नहीं लगता 24 घंटा बता पाएंगे। मैंने ये सुना है रात को लाइट भी नहीं होती अंदर, और रात को पता नहीं क्या होगा। रात बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी, पर फिलहाल इस प्लेन के बाहर का नजारा थोड़ा अजीब था। कोई है क्या अंदर? कोई है? अबे दम है तो बाहर निकल। भाई बाहर निकल गया ना, लग जाएंगे भाई। इधर से देखो, देखो भाई क्या क्या हुआ होगा इस प्लेन के साथ। भाई ये क्या है? ओह शिट, मैं खोखला प्लेन है भाई। अबे बॉटल, बियर बॉटल है, बियर बॉटल है। शिट यार, एक बंदा ना बंदे की जात है यहाँ पर भाई। चिपकली तो दिख जाए, वो भी नहीं दिख रही। चिपकली क्यों देखनी है भाई? कोई तो हो हमारे साथ, कोई जानी प्राणी। अबे तो गर्लफ्रेंड की जरूरत है भाई। इसी बात पे हमें एक स्पेशल चीज भी दिखी। सुसु कहाँ से गिरती है अंदर? जो हम अबे इधर से सुसु गिरती है प्लेन में। देख इधर से वो जो हम लोग सुसु सुसु करते हैं ना, वो सब इधर से वो सुसु सुसु गिरती है नीचे। यहाँ से सुसु गिरती है तो दूसरा दो नंबर कहाँ से गिरता है? इधर इतनी जगह तो नहीं है कि वो भी गिर जाए। आई गेस दे ईट इट। हु द स्टाफ? और फाइनली टाइम आ चुका था। भाई साहब, भाई मैं लाइफ में बिजनेस क्लास नहीं बैठा हूँ, बट मैं आज बैठने वाला हूँ। मतलब इधर स्टार्ट में बिजनेस क्लास है? दिस इज वेयर आई डोंट बिलोंग, टुडे आई बिलोंग हियर। अबे हमारा है बिजनेस क्लास में। रिक्लाइन करो, अपनी यादें ताजा करने के लिए इकोनॉमी में भी जाते हैं। और बिजनेस क्लास के सामने ऑब्वियसली ये थोड़ी फीकी पड़ गई। चल बैठ के देखते एडवेंचर। सॉरी, अरे हम बिजनेस क्लास वाले भाई, ये तो चलता रहता है। दो घंटे बीत चुके थे तो हमने सोचा वॉशरूम देखने का। भाई नॉक कर ले पहले, पूछ ले अंदर कोई है तो। आई एम वेरी स्कैर्ड टू ओपन इट। बाप रे, एक इसने फ्लश नहीं किया यार। शी, और अब टाइम था प्लेन उड़ाने का। पर आपको पता है जब यूट्यूबर पायलट बनता है तो सही नहीं होता है। मेरे बचपन का ड्रीम पूरा होने वाला है। मेरे भी। I'm gonna be inside the pilot का cockpit। और मेरे बचपन का ड्रीम नहीं था क्योंकि मेरे को मैथ साइंस बिल्कुल नहीं आता है, तो उसके लिए मैथ साइंस लगता था। अरे तो मेरे को भी नहीं आता था, बस ड्रीम था। ए मैं पायलट, तू को पायलट। पायलट मैं बन रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। चल स्टोन पेपर सीजर, जो जीता वो पायलट। स्टोन पेपर सीजर शूट करके मैं भी उड़ा लेता हूँ ना यार। मस्ती अपने जगह थी, पर सच तो ये था कि इस प्लेन का मालिक इसे खरीदते ही कंगाल हो गया था और अब इस दुनिया में भी नहीं रहा। और उसी के बाद एक दूसरे बड़े आदमी ने इस प्लेन को खरीदा और तभी उसका भी धंधा और लाइफ बर्बाद हो गया। पर फिलहाल 40 डिग्री की गर्मी ने इस खंडर प्लेन में हालत खराब कर दी थी। मतलब प्राइवेट जेट में भी लाइफ इतनी इजी नहीं है। कोई कष्ट सहना पड़ता है अनन्या पांडे जैसे, हम लोग प्राइवेट जेट में आ रहे हैं, जैसे वो BMW में आती है। और गाइस हम लोग के पास है एल्विश भाई का पानी। एल्विश भाई चॉइस ऑफ इंडियंस। भाई थप्पड़ मार देगा पानी छोड़। और इतनी गर्मी में तो पानी भी उबलता हुआ गर्म हो गया था। पानी के नाम पे गर्म पानी, टॉयलेट के नाम पे टट्टी वाला टॉयलेट, बैठने के जगह पे सीट टूटी हुई। भाई क्या पानी इतना गर्म है ना, पीने का मन नहीं कर रहा। 1 2 3 गो। भाई अभी तो 4 ही घंटे हुए। भाई चक्कर आ रहा है यार, यहाँ के बकवास बिजनेस क्लास है, सर्विस नहीं क्या? ए विजय माल्या की एयरलाइन। किसकी एयरलाइन है? विजय माल्या। RCB ऑन करता था विजय माल्या, तो वो भी आरती है, उसका प्लेन बिजनेस भी ठप हो गया। तो तुम देख रहे हो, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? अमीरी तो बहुत ज्यादा दिख रही होगी आपको, पर हमारे साथ एक और अमीर शख्स मौजूद है आज, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा तेरो सकियो बे, अभी के लिए पैसे ये रख, ऐश कर साले, एलोन साले ले, तेरा प्राइवेट जेट खरीद लूंगा साले। बहुत गर्मी है यहाँ पे साले, गरीब लोग ये ले जूस ले क्या, ये ले साले तेरे पे पैसा पैसा साले, जूस ले क्या मेरे लिए। ये गरीब इकोनॉमी सीट पे मैं तो बैठूंगा नहीं, ए गरीब तू इधर जा। देखो देखो भाई सुनो मेरी बात, जूस 500 का आता है, बाकी चेंज रख सकते हो। अबे रख ऐश कर, अभी क्या इस पूरा शहर खरीद लूंगा साले। कौन से सिटी में रहता है? मुंबई में, मुंबई को खरीद लूंगा साले।
अरे भाई आपके कैश तो उठा लो गुरु जी, ऐसे क्यों छोड़ दियो आप अपने पैसों को इतने। अरे आपका चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आपने बताया नहीं। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बैग में जो हम बिस्किट लाए थे वो भी पूरी तरह से तप चुके थे और प्लेन के अंदर और भी ज्यादा गर्म हो गया था। पर तभी हमारे गुरु जी हमारे लिए कुछ जीवन दान लाए। थैंक यू गुरु जी, टेक्निकल गुरु जी, थैंक यू। जूस लाया है, मेरी एक बॉटल। थैंक यू गुरु जी। फाइनली ठंडा, ये पानी नहीं है, नशा है नशा। दोस्तों क्लास वासे गरीब लोग पीते हैं, हम पीते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। बाबा बने पुनीत सुपरस्टार। हमारे गुरुजी का पेट तो कोई कचरा पेटी से कम नहीं था, पर अभी टाइम बिताने के लिए हमने सोचा कुछ और छानबीन करने का। भाई चेक करना है, अंदर कोई रहेगा तो नहीं ना। भाई चल चेक करते हैं। पानी ए पी मत साले। अबे अबे एसी है इसके अंदर, करंट ही नहीं है ना भाई, कब का ऑन कर चुका होता। ओ कपड़े पड़े थे तो छोड़ा, मेरे को नहीं देखना है कोटा। अबे एक मिनट, उसके अंदर क्या था? अबे मैं नहीं दिखा रहा, पाक उसके अंदर पता है कुछ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है इसके अंदर ना, मेरे को लगा कोई आदमी आदमी मिलने वाला है। भाई आदमी की उंगली ना मिल जाए। अरे एसी, एक और एसी। रात को मैं इधर ही सो जाऊंगा, गलती से ऑन हो गया तो। ओ सेवन नंबर तो खोलना पड़ेगा भाई, थाला फॉर रीजन। ओके ओ माय गॉड, अबे ये बैट का वो होता है ना, टूटे हुए बैट का हैंडल है और वो भी सेवन नंबर सीट के नीचे था, थाला फॉर रीजन। धोनी का बैट, मैजिक बैट। चल लेके चलते हैं, चैन कोहली की मैच कोहली पार्ट टू बनाएंगे हम लोग। कपिल पाजी ने इस बार माही पाजी। पर तभी मुझे कुछ बहुत खौफनाक मिला। क्या लिखा है, क्या लिखा है इस पे? अरे कुछ नहीं, ब्लैंक है। पानी शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था, मुंह तो आ रही है। आई गेस आई विल हैव टू गो इनसाइड दैट वॉशरूम एंड पी। और ये अब एक चैलेंज होने वाला था। ब्रो दिख भी नहीं रहा यार, हाथ नहीं धोए बट मुट लिया। अबे तू जल्दी हाथ धो यार पहले। रुक जा, ये ले, इससे हाथ धो ले, पैसों से हाथ धो। अरे चला जो दे। हम तो पैसों से हाथ धोते, आप किससे हाथ धोते हो गरीबो। 8 घंटे पूरे होने आ गए थे और अब धीरे धीरे सूरज भी ढलने लग गया था, चांद बाहर निकल चुका है और अब असली चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि हमारे प्लेन के सामने ही है ये वांटेड सा होटल। हम लोग लिटरली मिडिल ऑफ नोवेयर में और कोई भी नहीं है, रात को तो बहुत ही फटने वाली है, बिकॉज मेरे को अंधेरे से डर लगा। और बस सामने एक ही चीज दिख रही है, ये भूतिया सा होटल। 100K लाइक्स ऑन दिस वीडियो, हम लोग वो भूतिया होटल विजिट करेंगे, है ना? हाँ, या फिर 5000 कमेंट्स भी चलेंगे। भाई उस होटल के बहुत सारे राज है। भाई ये भी सही है भाई, रात में हम लोग घर पे बैठे बैठे सैड लेट अपने रील स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे लाइफ का सक्सेस देखो भाई, एंजॉय कर रहे हैं। पूरा प्लेन रेंट कर लिया है बस रील्स देखने के। सक्सेस हो लाइफ में तो ऐसा, पर फिलहाल मैं रील की जगह कुछ और एक्सप्लोर करने निकल गया। कॉकपिट के पहले यहाँ पर पूरा हो है सिस्टम भाई, यहाँ पे लाइट्स डिम ऑफ, यहाँ पे भी लाइट, ये रीसेट, अटेंडेंट कैप्टन, वाओ। और यहीं पे हमारी फ्लाइट अटेंडेंट बैठती है, जहाँ पे अभी फिलहाल हमारे गुरुजी बैठे। गुरुजी अरे कैसा है तू, पतला हो गया साले। अरे भाई अभी एक और आइडिया आया करने के लिए, सिंस हमें इतनी सारी भूख लग रही है, हमारे पास सिर्फ थ्योड़ा है, 3 पानी बोतल जो कि खत्म भी होने आ गई है। देखते हैं यहाँ पे स्विगी जोमेटो आ सकता है क्या, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट तो आने लिए मैं दबा रहा हूँ बटन, तो स्विगी जोमेटो ट्राई करते हैं। और उनको एड्रेस क्या लिखेंगे, प्लेन के अंदर? हाँ बोलेंगे प्लेन के अंदर, अकड़ में बोलेंगे ना भाई हम। हाँ बोलेंगे प्लेन के अंदर, हम लोग का प्राइवेट जेट है। पर देखना ये था कि क्या ये हो पाएगा यार, इट डज नॉट डिलीवर टू योर लोकेशन यार। अब क्या खाएंगे, अब वही बैग के नमकीन के अलावा और कोई ऑप्शन तो था नहीं भाई। स्विगी जोमेटो तो डिलीवर नहीं करता, तो हम लोग का डिनर आज यही है भाई। बहुत गर्म है अभी भी, लाइट तो इधर है ही नहीं। डिनर है मिल्क बिकीज और खट्टा मीठा हल्दीराम का भाई, इतना गर्म है मजा आया, इतनी शांति हो गई है भाई। इधर देख क्या इधर, पता नहीं रात को कैसे बैठेंगे, बहुत डर लग रहा है मेरे को। मैं मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, ये 9 घंटे जो रात के है सो के बिता दो भाई, या 14 hours in bro। और बस देखते देखते पता भी नहीं चला कब रात हो गई और सबसे चैलेंजिंग पार्ट आ गया भाई। तो ये जगह देख के ना बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है गुरुजी। एलन मस्क किधर है साले, साला रात को ये सब बोल रहा है, सोया नहीं क्या साले, इधर सोने के लिए जगह नहीं है साले। अबे साले कौन है तू भाई, बाबा जा रहे अंदर। गुरुजी कौन है साले, गुरुजी उधर मत जाओ, गुरुजी उधर मत जाओ। गुरुजी
गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी शांत रहो गुरुजी। गुरुजी आप पागल हो गए, मेरी फट गई, मेरी हार्ट बीट 100 नहीं 1000 की भाई पागल है। गुरुजी पागल हो क्या गुरुजी? 15 घंटे बीत चुके थे और अब बस किसी भी हालत में रात गुजारनी थी और बस सीट के हैंडल ऊपर करके मेरा बिस्तर तैयार हो चुका था। ये ले साले इकोनॉमी वाले गरीब सोने के लिए। 2 मिनट कुछ भी आवाजें आ रही है, पीछे पूरा पिच डार्क, बाहर एक इंसान भी नहीं है, इधर आदमी कोई सोए भी कैसे चैन से। अगले 6 घंटे के लिए जो नींद निकली पता भी नहीं चला सूरज कब निकल गया। एंड इस प्लेन की जो भी पुरानी यादें या कहानियां है कहीं ना कहीं आज भी यही मौजूद है, बस कुछ इंसानों के लिए जो शायद हम समझ ना पाए। तो दोस्तों सुबह हो गई है, ओए गरीबो उठ जाओ, उठ साले गरीब, ये ले मेरे सोने के पानी से अपना मुंह धो ले गरीब। किधर है तेरा दूसरा गरीब? पीछे सो रहा है साला, उसको उठा। उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, पसीने में भीग चुका हूँ, मेरी गर्दन अकड़ चुकी है भाई, 5 मिनट और सोता है। मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ भाई पसीने में। हाँ। इसका पूरा पिलो गीला हो गया इसके पसीने से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द प्लेन। ब्रश करे? अरे मैं ब्रश लाया नहीं यार। तू ब्रश नहीं लाया? नहीं यार, तेरा दे देना शेयर कर लूंगा। ओके पैसों से ब्रश कर लूंगा, क्या दिक्कत है दोस्तों, आप भी करिए पैसों से ब्रश, गरीब हो आप तो कुछ नहीं करना, ऐसे फोल्ड करना है। बाप रे गुरुजी, अरे गुरुजी आप तो बहुत पैसे वाले हो। इतना अमीर होला लाइफ में, बस इतना अमीर। कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर वन ब्रांड, 10 में से 9 डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कोलगेट। वो जो एक डॉक्टर है ना वो बोलता है प्लेन में ब्रश करो। क्या बकवास है। और फाइनली टाइम आ गया था, बट आई विल नॉट मिस दिस प्लेस। अरे बहुत गर्मी है, जल्दी बाहर चलते हैं। ओह मैन, ओह आजाद, बाय बाय। फॉलो भी कर देना, फॉलो शेयर भी कर देना वीडियो, इंस्टाग्राम पर आईडी देखो। ओ पर ये हॉन्टेड हाउस, ये हॉन्टेड होटल, 5000 कमेंट और अगला वीडियो इस हॉन्टेड होटल में।